एवरीवन, दिस इज़ मी साध्या हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई महीने की रीडिंग जो कि शुरू होगा कल से। सो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें रिमाइंड करवाऊंगी। इस रीडिंग में हम एक तो ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, एक कलर कार्ड इंक्लूड करेंगे और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं ये चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशन में मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो और अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि उसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। और मुझे रीच आउट करने से पहले आप सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो एक दफ़ा चेक कर लो अलॉन्ग विद द प्राइसेस, ताकि आप आपको सब पता हो कि कौन सी रीडिंग आपको परचेज़ करनी है और कितने चार्जेस हैं उस रीडिंग के। सो हमेशा मुझे रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देख लिया करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। और उसके अलावा रिमाइंड करवाऊंगी कि मैं अगर आप इंग्लिश में डेली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ लेकिन वो इंग्लिश में होती हैं। अगर आप फॉलो करना चाहो मुझे वहाँ पे तो आप कर सकते हो। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आप इंग्लिश रीडिंग्स देखना चाहते हो तो उसके चैनल पर भी आप देख सकते हो। सो लेट्स सी स्पाइसेस के लिए कैसा रहेगा मंथ ऑफ जुलाई 2020। Let's begin. Five of Pentacles, Tarot, Queen of Cups. Let's take one more card for Pentacles. एक और कार्ड लेंगे हम इसके साथ, Tower. Okay. King of Cups, Page of Cups, Queen of Swords, Page of Pentacles. Underneath the deck, devil है. Okay, so basically मैंने cards में usually इस तरह से cards नहीं लेती। जो लोग मेरी readings को follow करते हैं I'm sure कि उन सबको पता होगा कि मेरा तरीका थोड़ा और है, और मैं usually सिर्फ 4 cards लेती हूँ tarot में से। But अभी जो मैंने ये set निकाला उसकी एक reason है, क्योंकि मैं आपके person की और आपकी energy इसमें pick कर रही हूँ यहाँ पर। सो इसलिए मुझे जानना था कि प्रॉपर वे में एक सेट की तरीके से वो सारी चीज़ें आएँ। अच्छा, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जब आप जुलाई के महीने में एंटर हो रहे हो तो आप अपनी लव लाइफ को लेके इतना ज़्यादा अपसेट होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि आप गिव अप कर दो, और कुछ लोग गिव अप कर चुके होंगे जब वो जुलाई के महीने में एंटर होंगे, स्पेशली वो लोग जिनकी लव लाइफ स्टक है उनके पार्टनर की वजह से, जिनको फील होता है कि लव लाइफ आगे मूव नहीं हो रही, पर्सन जो है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या अगर है भी तो वो शो नहीं कर रहा या कर रही। वो लोग मुझे लगता है कि इस कंडीशन में रह रहकर तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं, और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें। जैसे ही आप एक ये फीलिंग लेके आते हो कि नहीं मैं तो थक गया हूँ या तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ, और मुझे बस ये चाहिए कि मेरी लव लाइफ आगे मूव हो, चाहे मेरी शादी किसी और से हो जाए लेकिन आई वॉन्ट कि हाँ मतलब अब कुछ आगे बढ़े। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो, आप चाह रहे हो कि अब सेटल डाउन हो जाओ, हो सकता है कि फैमिली प्रेशर्स भी हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि नहीं अब वो टाइम आ गया जब आपकी लाइफ में आपका पर्सन का होना ज़रूरी है, या आपको एक कमी फील होती है उस इंसान की जो कि आपको प्यार भी करे, दोस्ती भी हो जिसके साथ, और एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड हो जिसके साथ आप घूमो फिरो और इन्जॉय करो लाइफ को। लेकिन जो अभी कनेक्शन है जिसमें आप फंसे हुए हो, या जिसके लिए आप शायद इंतज़ार करते हो, या जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो, वो सिचुएशन कुछ आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही। आपको लगता है कि ये आपको लगेगा या तो जून के एंड पे या तो शुरू जो होगा जुलाई का महीना उसके शुरू में आपको ये फीलिंग आएगी कि शायद ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपका दिल करेगा कि आप मूव ऑन करो। आप थक गए हो, एक कप को हाथ में लेके वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि कब वो बंदा आएगा, कब वो ओपन अप करेगा, कब वो फीलिंग शेयर करेगा या करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर वो एक फीलिंग आएगी कि नहीं आई वॉन्ट टू मूव ऑन, मुझे मूव ऑन करना है। जैसे ही आपके अंदर ये एक फीलिंग आती है, आपका पर्सन जो कि अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा था या कर रही थी, शेयर नहीं कर रहे थे आपके पर्सन, वो उनके दिल में एक खलबली सी मचेगी कि ये कैसे हो गया कि आपने इतने टाइम से उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं किया। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो तो तब भी कहीं ना कहीं उनको एक वाइब जाएगी कि आप शायद उनसे दूर होते जा रहे हो। ये फीलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा
ट्रबलसम होगी, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा कि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि आपने या तो इतने टाइम से मैसेज नहीं किया, या आप इतने टाइम से खामोश कैसे हो गए, या इतने टाइम से आप एक उनको दूरी फील हो रही होगी आपके और उनके दरमियान, और उसी दूरी के अंदर वो हो सकता है कि आपको ख्वाबों में दिखना शुरू हो जाए, हो सकता है कि आप उनके मैसेजेस जो है वो ख्वाबों में पिक करना शुरू हो जाए, क्योंकि आप उनको मैसेज नहीं कर रहे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो आपको ख्वाबों के थ्रू या डिफरेंट टेलीपैथिक मैसेजेस आपको सेंड करना शुरू कर देंगे। अब अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, जो टेलीपैथिक मैसेज होते हैं कुछ लोग इंटेंशनली सेंड करते हैं, कुछ लोग वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि आपको उनके मैसेजेस जो है वो टेलीपैथिकली जो है रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। लाजमी नहीं कि हर कोई एक टेलीपैथिक मैसेज किसी प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करते हुए ही टेलीपैथिक मैसेज सेंड करेगा, कुछ लोग इतने दिल से एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं, मिस कर रहे होते हैं, तो वो खुद ही आपको वाइब आ जाती है। सो वो सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि मतलब इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो कि वो इंटेंशनली भी आपको टेलीपैथिक मैसेज सेंड कर रहे हो या ड्रीम्स में आपके शो हो रहे हो, लेकिन ऐसा होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप डिटैच करोगे अपने आप को, और वो चीज़ जब होगी तो ये बंदा या बंदी जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये अपने इमोशंस को लेके ओपन अप करना शुरू हो जाएंगे, आपसे बात करना शुरू हो जाएंगे, या आपको आपको रीच आउट करना करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि जब ऐसा कुछ होगा उनके एंड से, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की जो सिचुएशन है उसको स्विच कर जाओगे, जैसे आप पहले थे वो वैसे हो जाएंगे, और जैसे वो पहले थे आप वैसे हो जाओगे। मतलब आपको थोड़ा अपनी अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन आएगी जब आप डिटैच होते हो, और बल्कि शायद डिटैच होने से पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुई है कि मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और वही चीज़ अब इस इंसान को आपके करीब ला रही है। हो सकता है पहले इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, जिसके बाद आप मतलब तंग आ गए, और काफ़ी टाइम लिया, मुझे नहीं लगता कि एक एक महीने की बात थी या एक दो दिन की बात थी, इस इंसान ने आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया, जिसके बाद आप डिसाइड करते हो नहीं मुझे मूव ऑन करना है, और जब भी आप मूव ऑन करते हो तो ये इंसान आपके पास वापस आता है। चाहे अगर आप पास का एक्सपीरियंस भी देखो इसके साथ, तो ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही साइकिल आपका चला होगा। अब ये आपके पास वापस आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे, ओपन अप करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये ओपन अप करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, मुझे लगता है कि आप थोड़ा डिस्टेंट रहोगे इनसे, क्योंकि आपको एक क्लियर पिक्चर चाहिए कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। इवन दो अंडरनीथ द डेक जो कार्ड है वो डेविल का है, डेविल यूजली जो भी मीनिंग हो इसका, डिफरेंट 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 सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट रीडिंग्स में इसका मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप दोनों ऑलरेडी टायर्ड हो टुवर्ड्स ईच अदर, आप दोनों की सोल्स ऑलरेडी टायर्ड हैं, आप चाहो तो इनसे दूर नहीं जा सकते, ये चाहें तो आपसे दूर नहीं जा सकते। लेकिन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पाइसिस है उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार उनके लिए। उससे होता यह है कि आपका पर्सन जो है वो रिलैक्स हो जाता है, उसको पता है ये बंदी या बंदा कहीं छोड़ के जाएगा नहीं। जैसे ही वो एक फीलिंग आती है तो अगला बंदा इजी हो जाता है कि अगर मैं टाइम नहीं भी दूंगा तो इसने कहाँ जाना है। सो वो सिचुएशन आप लोगों के साथ हुई है और होती आई है, और अब आप रियलाइज़ कर रहे हो और आप उससे मूव ऑन करना चाह रहे हो। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट अ शॉक, मतलब उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होगी टू टॉलरेट या टू डाइजेस्ट, बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप सडनली इतना इतना बदल जाओगे और इनको बिल्कुल छोड़ दोगे। मुझे लग रहा है कि इनकी तरफ से आपको चेंजेस नज़र आना शुरू होंगे जुलाई के सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में आप इनको छोड़ रहे हो या ऑलरेडी आप जून के एंड पे छोड़ चुके हो, मिड तक जाके मतलब सेकेंड वीक में इनके अंदर वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी परेशान होंगे कि ऐसे कैसे हुआ कि आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया, या अगर आप कांटेक्ट करते थे तब कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और अगर आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और जैसे ही आपने सोचना बंद किया उनको एक वाइब जाना शुरू हो गई कि क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, उनके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, क्यूरोसिटी बढ़ेगी, और जिसके बाद वो थर्ड वीक में मुझे लगता है कि वो आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन जब आपको रीच आउट करेंगे तो आपका एटीट्यूड मुझे लग रहा है उनके साथ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि आपको वैल्यू और वर्थ मिले जो आप डिजर्व करते हो, जो कि आपको मिलेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर माई फिशीज, जो कि दिख रहा है इधर कार्ड्स के अंदर। सो बट येस, जो लोग अगर डिटैच नहीं कर रहे और जो लोग फील कर रहे हैं कि उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा और बुरी सिचुएशन में है, अगर आप अपने लिए स्टेप नहीं ले रहे तो ये बंदा भी आपके लिए स्टेप नहीं लेगा। आप फिर उसी साइकिल में रहोगे थ्रू आउट द मंथ, जहाँ जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे, अपने आप को
उनसे दूर नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको बुरा ट्रीट कर रहे हैं, तब तक वो आपको बुरा ट्रीट करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि उनके अंदर बदलाव आए, उनके अंदर चेंज आए आपके लिए, तो आपको खुद के लिए पहले सोचना है, फिर ही वो आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप वो चेंज अपने अंदर नहीं ला रहे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे प्यार का इजहार करेंगे या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव आएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो डिटैच करेंगे, ये सोचते हुए कि आपको अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा आप डिज़र्व करते हो, इससे ज़्यादा प्यार आप डिज़र्व करते हो। इवन तो आपके दिल में शायद यही इंसान रहे, अगर आप मूव ऑन भी करते हो या अगर आप इस कनेक्शन से डिटैच भी होते हो, तो आपके माइंड में शायद यही इंसान रहे, लेकिन एक चीज़ आपको कंफर्म होगी कि आप इनसे प्यार डिज़र्व करते हो। अगर ये प्यार दे सकते हैं तो आप इनकी लाइफ में रहोगे, अगर आप इन अगर ये प्यार नहीं दे सकते, आप इनकी लाइफ से चले जाओगे। ये सिर्फ माइंड सेट है जो आपने चेंज करना है। होना तो आप दोनों के साथ ही है, मतलब वो कन्फर्म है कि एक चीज़ जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, वो दोनों ऑलरेडी एक तरह से हस्बैंड एंड वाइफ हैं एनर्जेटिक लेवल पे, या मतलब अगर आप कह लो कि यूनिवर्सल उस एनर्जीज में यू आर ऑलरेडी टाइड अप, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू जो है वो खो जाते हो, क्योंकि आप ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो अगले बंदे को, और अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। और यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर आप अभी भी अपने आप को उनको फॉर ग्रांटेड लेने दोगे, तो आपके लिए प्यार एक्सप्रेशन जो है, उनकी तरफ से प्यार का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए राइट स्टेप लो, ताकि वो आपके लिए आपकी तरफ बढ़ें, बजाय इसके कि आप उनकी तरफ भागते रहो और वो आपसे दूर भागते रहें, और उल्टा मतलब जो आप चाह रहे हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता जाए। सो इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को डिटैच करो और उनको अपने पीछे आने दो। सो लेट्स सी ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, जुलाई का महीना कैसा रहेगा। माई फिशेस शुड बी हैप्पी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, स्पेशली अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करो, तो आपकी विश इस महीने पूरी होती दिख रही है। हीलिंग फैमिली इशूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपने फैमिली का कोई मेम्बर, स्पेशली मदर जो है, वो ख्वाब में आए। हो सकता है कि आप उनको ख्वाब में प्रेग्नेंट देखो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपकी लव लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव ड्रीम है। एक और चीज़ मेंशन करूँगी, आपकी कुछ लोगों के लिए शायद इस इंसान से डिटैच होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है आपके घर में फैमिली इश्यूज़ हों ज़्यादा, मतलब आपको खुशी जो है वो लगता है कि इसी इंसान से मिलती है या इसके पास रहने से मिलती है। अगर ऐसी सिचुएशन भी है, तो कोशिश करो कि खुद के साथ खुशी ढूंढो अपने अंदर से, लेकिन वो अच्छा सोच के खुश रहो, पॉजिटिव सोच के, अपनी लव लाइफ को पॉजिटिव सोच के खुश रहो। फैमिली के जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, और ट्राई करो कि अपने अंदर जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको बुरा फील होता है, उनको हील करने की कोशिश करो, अपने ऊपर वर्क करो, बजाय इसके कि इस इंसान के ऊपर फोकस करो या इसके ऊपर टाइम वेस्ट करो। सो उसके अलावा एक और, वैसे रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेट्स टेक वन कलर कार्ड और उसके बाद फिर हम चार्म्स की तरफ चलेंगे। दूसरा आई डोंट थिंक कि मैं कार्ड ऐड करूँगी, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ रीडिंग्स टू डू और आई रियली वॉन्ट टू गेट डन विद देम टुनाइट। सो लेट्स सी कलर क्या ऐड होता है आप लोगों के लिए। ब्राउन एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, आपको ये बाउंड्रीज रखनी चाहिए इस इंसान के साथ, स्पेशली आपको बढ़ानी है ये बाउंड्रीज अपनी। आपको आपने बहुत ज़्यादा दे दिया इस इंसान को, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा यू नो टाइम, अटेंशन, ये सब आपको वापस अपने लिए रिजर्व करना है। और कलर ब्राउन आपके लिए लकी रहेगा। इसके अलावा आप ब्राउन विद ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। नंबर 12 इज़ अ लकी डे और डेट फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई। मे बी फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि 12 जुलाई को आपको हो सकता है ये रीच आउट करें, अगर तो आप ऑलरेडी जून के अंदर ये डिटैचमेंट वाला फेस कर चुके हो। अगर नहीं तो 12 जुलाई को ये इंसान हो सकता है कि मतलब इसके अंदर वो फीलिंग आना शुरू हो जाए टूवर्ड्स यू, कि आपने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया, आपने अभी तक इनको रीच आउट क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको ये ख्वाब में ज़रूर देखेंगे, ख्वाब में नहीं तो कहीं ना कहीं किसी और थ्रू, किसी और चीज़ के थ्रू ये आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे एनर्जेटिकली। अदरवाइज तो ये करेंगे थर्ड वीक के अंदर जाकर, लेकिन उससे पहले ये आपको मैसेजेस अपनी तरफ से, अपने एंड से पहुंचा रहे होंगे। आपको काफ़ी सारे यू नो हो सकता है आप यू नो इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, स्क्रॉल अप कर रहे हो, और आपको कोई ऐसा बंदा नजर आए जो कि इस बंदे जैसा था या थी, और आपको उससे अचानक यू नो एक पहले स्ट्राइक हो गया कि कहीं वो तो नहीं था। लेकिन आपको इस तरह की चीज़ें भी आपको एक तरह से मैसेज दे रही हैं कि यू नो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है या चाह रही है। यू विल गेट टू नो कि यू नो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। सो चार्म्स ऐड करते हैं, देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा।
अल्फ़ाबेट्स नहीं है सो हम अल्फ़ाबेट्स नहीं लेंगे. लेट्स सी, प्रेगनेंसी ड्रीम्स आपको बहुत हो सकता है आए, और अगर आएंगी तो बहुत पॉजिटिव होती हैं प्रेगनेंसी ड्रीम्स. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए एनिमल्स को फीड करना, बी दैट आपके पेट्स हों उनको, या अगर आप फिश को खाना खिला सको आपके लिए लकी होगा, आपकी लाइफ से अगर कोई बुरे या नेगेटिव असरात हैं वो निकल जाएंगे. मेड विद लव, आपको एक यकीन रखना है कि आपने ये जो कनेक्शन बनाया है इसके साथ, ये बहुत प्यार से बनाया है आपने, और ये आपका जितना प्यार आपने एफर्ट डाला है इसके अंदर वो वेस्ट नहीं जाएगा. यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग बिलीफ अराउंड दैट. रात का टाइम आपके लिए बहुत लकी होगा, स्पेशली अगर आप दुआ करो रात के टाइम पे या मेडिटेट करो, और खुश रहो. यू नो डिटैचमेंट पीरियड में आपके लिए खुश रहना इंपॉर्टेंट है. अगर आप डिटैच होकर सैड हो रहे हो तो देर इज़ नो पॉइंट, फिर भी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी. सो मेक श्योर यू स्टे हैप्पी. सो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई मंथ के लिए. अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, मैच की हो, और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो लाइक श्योर सब्सक्राइब जरूर करो. और पर्सनल रीडिंग्स अगर चाहते हो तो पेपॉल के थ्रू पेमेंट अगर कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.